आप सभी ने बचपन से डोरेमोन को तो देखा ही होगा। अरे नहीं, अपने स्कूल वाली डोरेमोन नहीं, ये वाला डोरेमोन। जी हाँ, ये वही डोरेमोन कार्टून है जिसे देख देख कर हम सभी ने अपना बचपन गुजारा था। और वैसे तो आप सभी ने डोरेमोन के एक से एक एपिसोड देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि डोरेमोन का एक लास्ट एपिसोड भी आया था जो कभी भारत में रिलीज हुआ ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं बाबा। जी हाँ, बहुत कम ही लोग जानते हैं कि डोरेमोन का एक लास्ट एपिसोड भी हुआ करता था जिसको बहुत कम ही लोगों ने देखा और ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है। अब तुम सभी को एक बात जान के हैरानी हो जाएगा कि डोरेमोन का जो लास्ट एपिसोड है वो जापान में रिलीज हुआ था लेकिन इंडिया में रिलीज हुआ ही नहीं था। तो डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था आज वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डोरेमोन के लास्ट एपिसोड से। तो हर दिन की तरह वही होता है, नोबिता मुंह उठा के जाता है और डोरेमोन से कोई ना कोई गैजेट और फलाना वलाना ये सब मांगते रहता है, लेकिन अंत में नोबिता को भी पता चलता है कि डोरेमोन अचानक से सदमे में चले गया है। डोरेमोन, मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। अभी दो, अभी का मतलब अभी, मुझे भी चाहिए। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? तो जब नोबिता को डोरेमोन की इस हालत का पता चलता है, फिर वो डोरेमोन की बहन को कांटेक्ट करता है और डोरेमी से पूछता है कि डोरेमोन को क्या हुआ है। तो डोरेमी बताती है कि डोरेमोन के मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। बाद में नोबिता ये सोचता है कि सीधा टाइम ट्रेवल करके वो डोरेमोन को ठीक करेगा, लेकिन जैसे ही वो टाइम ट्रेवल करने जाता है डोरेमी उसको समझाती है कि क्राइम पेट्रोल वालों ने टाइम ट्रेवल करने पर ही बैन लगा दिया। फिर डोरेमी जो है वो नोबिता को समझाती है कि डोरेमोन की बैटरी खराब होने की वजह से उसकी पॉकेट का भी कोई यूज नहीं कर सकता और अगर नोबिता चाहे तो उसकी पॉकेट का यूज करके कोई गैजेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। डोरेमी जो है वो नोबिता को बहुत समझाती है और बताती है कि डोरेमोन को कोई जीनियस साइंटिस्ट ही ठीक कर सकता है और वो सिर्फ फ्यूचर में ही मिल पाएगा, अभी के समय तो कोई जीनियस साइंटिस्ट उसे मिलेगा ही नहीं। तब नोबिता खुद ही सोच लेता है कि अगर डोरेमोन को बचाना है तो वो खुद ही जो है डोरेमोन को बचाने की खातिर खूब पढ़ाई लिखाई करेगा और साइंटिस्ट बनकर जो है डोरेमोन को ठीक करेगा। इसी चक्कर में जो है नोबिता पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देता है। डोरेमोन, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? वो न्यू ईयर का दिन था, मैं चौंक गया था क्योंकि तुमने कहा था तुम रकून डॉग नहीं हो और हम बहुत जगह घूमे भी थे, है ना? फ्यूचर, पास्ट और कई रहस्यमय जगह है और हमने कई बार बहुत पंगे लिए हैं। डोरेमोन, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तब तुम लल्लू दिखते हो, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मैंने कभी ढंग से शुक्रिया भी नहीं कहा पर तुम्हें पता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ, है ना? और हम बहुत लड़ते भी थे पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद हम वापस दोस्त बन जाते थे। अब धीरे धीरे करके समय बीतता और समय बीतने के साथ साथ नोबिता अपना पढ़ाई लिखाई कुछ ऐसे शुरू करता है कि वो क्लास का सबसे बड़ा टॉपर लड़का बन जाता है। लेकिन डोरेमोन को ठीक करने के चक्कर में नोबिता को कई सारी खुशियों का भी त्याग करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसने अपने सबसे बड़े प्यार यानी कि सुजुका तक का भी त्याग कर दिया था। नोबिता, कांग्रेचुलेशंस, तुमने एक बार फिर से हाई स्कोर किया है। बधाई हो नोबिता, सच में तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं। शुक्रिया, पर स्कोर से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस नॉलेज से मतलब है और मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। तुमने बहुत मेहनत करी है तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो, चलो हमारे साथ। शुक्रिया शिजुका, पर मुझे घर पे बहुत जरूरी काम है तो शायद अगली बार। रुको, बस यही देखना बचा था वो तो मुंह उठा के निकल गया। लेकिन एक बात है, नोबिता से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सोच के देखना, नोबिता जो है वो डोरेमोन को बचाने के खातिर जो है अपने प्यार तक का कुर्बानी दे रहा है, उसको सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर आजकल के दोस्तों को देखोगे ना तो जैसे ही लड़की मिलेगी सेटिंग हो जाएगा ना, साले लोग एक तो दोस्त लोगों को ही भूल जाएंगे। नोबिता बेचारा अकेला पड़ चुका है, सही कह रहा हूँ ना सिजुका? बिल्कुल नहीं है, मैं मानती हूँ कि नोबिता खुद को अकेला मानता है पर वो भी हमारा दोस्त है और हम उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, भले ही वो खुद को कितना भी अकेला समझे, ये हमारा फर्ज है। डोरेमोन के जाने के बाद वो बदल भी गया है। मैं नोबिता को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं नोबिता को, सिजुका, मैं नोबिता के साथ हूँ और मैं उसको हर हालत में पिकनिक में ले आऊंगी। नोबिता, अरे भाई साहब, लेकिन तुम सब ये मत सोचना कि नोबिता बहुत सीधा साधा आदमी है। नोबिता तो बहुत ही चालाक था, वो एड़ा बन के पेड़ा खाता था और हम जैसों को पता तक नहीं चला। अरे नोबिता तो इतना चालाक आदमी था कि उसने बचपन में ही शिजुका के साथ तय कर लिया था कि वो दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। जब हम बड़े हो जाएंगे तब मुझसे शादी करोगी ना शिजुका? हाँ, करूंगी नोबिता, चलो प्रॉमिस करते हैं। बताओ यार, हम जैसों को तो स्कूल के जमाने में एक भी लड़की नहीं मिली और इसको तो अभी से ही वो मिल गई। घोर कलयुग है भैया, घोर कलयुग है। आजकल के जमाने में तो अब छोटे छोटे बच्चे भी सेटिंग करना शुरू कर दिए हैं। बाकी बातों को छोड़ते सीधा लास्ट एपिसोड में आते हैं। तो लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि नोबिता एक साइंटिस्ट बन गया और वो बाद में जो है साइंटिस्ट बनने के बाद डोरेमोन को ठीक करने की कोशिश करता है। फिर बाद में वो डोरेमोन को एक मशीन में बैठाता है, फिर एक बटन दबाता है और डोरेमोन ठीक भी हो जाता है। Yeah.
नोबिता ने अपना होमवर्क कर लिया। अब जब डोरीमोन का यही लास्ट एपिसोड जापान में रिलीज हुआ था तो वहां पर दंगा हो गया था और लोग इस बात से गुस्सा थे कि डोरीमोन का लास्ट एपिसोड आखिर रिलीज क्यों हुआ। इसी कारण भारत में वो लास्ट एपिसोड रिलीज हुआ ही नहीं। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करके जरूर जाना।